प्रिय भाइयों और बहनों, हम 6 सप्ताह से उपवास, परहेज, त्याग, तपस्या, दान पुण्य और विनती प्रार्थना करते आ रहे थे। इन सब का क्या मकसद था? इसका एक ही मकसद था कि हम पास्का रहस्य को मनाने के लिए आध्यात्मिक तौर से तैयार हो सके। पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के आनंद, शांति और सामर्थ्य को पाने योग्य बन सके। आज इस रात्रि जागरण में हम उसी पास्का की घटना को याद कर रहे हैं। पास्का का अर्थ होता है पार होना। इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त दुख भोग और मृत्यु से पार होकर जी उठे, कैसे वे दुनिया की शक्ति को पराजित कर विजयी हुए और हमारे लिए एक नई आशा, उम्मीद और विश्वास का संचार किया। हम भी कैसे पापमय जीवन से पार होकर अनंत जीवन के सहभाग हो सकते हैं, इससे हमारे लिए एक नई उम्मीद मिलती है। आज हमारे समक्ष नई आग की आशीष की गई, जो पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के अंधकार को भगा दिया है। पुनर्जीवित यीशु से मिली ज्योति का गुणगान किया गया, जो हमारे मुक्ति के इतिहास को याद दिलाती है और हमें हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति आभारी हो रहने की चुनौती देती है। आज हमारे लिए कई पाठ पढ़े गए। इन पाठों के द्वारा हमें यही बताया गया कि ईश्वर कौन है और वह हमारे साथ किस प्रकार का विधान स्थापित किया है, ताकि हम उस विधान के अनुसार जीवन बिताकर मुक्ति पा सके। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर की अपार शक्ति को बताया गया है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे शब्द मात्र से संपूर्ण जगत की सृष्टि की। उसने ही अद्भुत ढंग से मनुष्य की सृष्टि की, उसे अपना प्रतिरूप बनाया और उनको हर जरूरत की चीजों को दिया, और यह सब ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। इस पाठ को पढ़े जाने के पीछे एक ही मकसद है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को जाने, उसे माने और जीवन में उसे प्रथम स्थान दें। पर आज हम जिस माहौल में रहते हैं, क्या इन बातों पर गौर करते हैं? क्या हम इस सुंदर सृष्टि के लिए ईश्वर के प्रति आभारी होते हैं? क्या हमें ईश्वर की आवश्यकता महसूस होती है और क्या हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान देते हैं? आज के दूसरे पाठ में हम इब्राहिम की परीक्षा के बारे में सुना। जब मनुष्य पाप में गिर गया और उसका झुकाव बुराई की ओर बढ़ते गई, तो ईश्वर अपना मुक्ति विधान बनाए रखने के लिए इब्राहिम को चुना। उन्होंने उनके विश्वास की परीक्षा ली, जो बहुत कठिन था। वह उसमें सफल हुआ और पूरे मानव जाति के लिए आशीर्वाद का स्रोत और विश्वास का पिता बना। वे विश्वास के मामले में हमारे लिए आदर्श हुए। आज हम दुनियाई चकाचौंध और विज्ञान के प्रभाव वाली दुनिया में जी रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा विश्वास कैसा है? क्या इब्राहिम की तरह हम भी दूसरों के लिए विश्वास का नमूना बन सकते हैं? क्या हम दूसरों के लिए आशीष पाने का माध्यम बन सकते हैं? आज का तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इस अंश में ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इसराइलियों के लिए बड़ा चमत्कार करता और उनको उनके शत्रु मिस्रियों से बचाता है। हम उनको बड़ी गुलामी और शोषण से मुक्ति दिलाता है। यहाँ ईश्वर अपना बहुबल दिखाता है, असंभव वाली बात को संभव बनाता है और इसराइलियों की रक्षा करता है। यह घटना हमारे लिए क्या संदेश देती है? जो ईश्वर को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं और इच्छाओं के आधार पर चलते हैं, ईश्वर हर हालत में उनकी रक्षा करेगा, उन्हें नष्ट होने नहीं देगा, वह उनके लिए उद्धार की व्यवस्था करेगा। क्या हम इस बात से सहमत हैं? अगला पाठ नबी यजकेल के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें विधान को पुनः नवीनीकरण करने की बात कही गई। ईश्वर अपने स्वभाव के आधार पर इसराइलियों की अशुद्धता को पवित्र जल छिड़का कर शुद्ध करेगा
और अपनी आत्मा उन्हें प्रदान करेगा, जिससे वे संचालित होकर उसकी प्रिय प्रजा बने रहेंगे। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें भी पवित्र आत्मा दी गई। पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से हमारी सभी पापों से क्षमा मिली है और हम पर महत्व दया की गई है। क्या इस बात का एहसास कर इस आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं? नई व्यवस्था से आज हमारे लिए दो पाठ पढ़े गए और दोनों पाठ यीशु क्रिस्त के मर कर जी उठने की बात करते हैं। यीशु क्रिस्त मर कर तीसरे दिन जी उठे और वे सदा हमारे साथ रहते हैं। यह हमारे विश्वास का आधार है। इसी बात पर संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया के विश्वास का सिद्धांत आधारित है। इस बात को संत पौलुस भी कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं, अगर यीशु मर कर जी नहीं उठे होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता और जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या यीशु मर कर जी उठे हैं? क्या आप पूरी तरह से इस पर विश्वास करते हैं और इसे मानते हैं? आप अपने दैनिक जीवन पर विचार कीजिए। पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त के प्रभाव के कारण ही आप सुंदर और सफल जीवन जी रहे हैं। जो शांति और सुकून आपको मिल रही है इसी का फल है। अगर कैथोलिक कलीसिया के इतिहास पर गौर करेंगे आप पाएंगे इस पर कितना अत्याचार हुआ, इसके अनुयायियों को समूल खत्म करने का प्रयास किया गया पर मिटा नहीं पाए। इसके संबंध में गमलियल नामक फरीसी कहते हैं, यदि यह योजना ईश्वर का है तो आप उन्हें मिटा नहीं सकेंगे और आप ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। यीशु इस दुनिया में हमारे दुख तकलीफों को दूर करने नहीं बल्कि हमको मुक्ति दिलाने और उसे हासिल करने के तरीके बताने के लिए आए थे। वे अपने जीवन और शिक्षाओं द्वारा स्पष्ट तरीके से बताए कि हमारा यह संसारिक जीवन स्वर्गिक अनंत जीवन पाने की तैयारी है। इसी को आधार मानकर यीशु कहे थे, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। अगर हम यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, उनके बताए हुए शिक्षा और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीते हैं तो हम निश्चित तौर से हम भी यीशु क्रिस्त के समान जी उठेंगे और सदा सर्वदा के लिए संसारिक जीवन समाप्त करने के बाद स्वर्गिक सुख का भोग करेंगे। यीशु का मर कर जी उठना इस बात की पूरी गारंटी है। अतः इन बातों को मन में बैठा लें और इसी आधार पर अपने जीवन को जिए। आमीन।